नमस्कार, खुरानास फोरम में आपका स्वागत है। सनी देओल की फिल्म गदर पार्ट 2 11 अगस्त को रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ही गदर मचा दिया। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी है। और इसी बीच बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नोटिस पेपर में आता है, जिस पर तारीख 19 अगस्त है, कि सनी विला ओन्ड बाय सनी देओल का ऑक्शन 25 सितंबर 2023 को किया जाएगा, क्योंकि सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लगभग 56 करोड़ रुपए का जो लोन लिया है, ही इज़ नॉट रिपेड दैट। और लोन में एज अ कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सनी विला के पेपर्स जमा किए थे और इनके गारंटर्स थे इनके पिता धर्मेंद्र और छोटा भाई बॉबी देओल। दरअसल सनी विला में सनी देओल रहते नहीं हैं, वहाँ उनका ऑफिस है और देर इज़ अ डबिंग थिएटर एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क इक्विपमेंट्स और एक 77 सीट्स का प्रीव्यू थिएटर भी सनी विला में है, जहाँ पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद फिल्म से जुड़ी पूरी टीम पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद उसका आउटकम देखते हैं। और पिछले 40-45 साल से इट हैज़ बीन अ फेवरेट चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। सनी विला की नीलामी का नोटिस पढ़कर यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर बैंक ने एक कॉरिजेंडम डाला और उसमें लिखा कि ड्यू टू टेक्निकल रीजंस सनी विला की नीलामी रद्द की जाती है। इस पर ओपोजिशन पार्टीज के कुछ नेताओं ने ऑब्जेक्शन लिया है, क्योंकि सनी देओल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम गुरदासपुर पंजाब। लेकिन देखा जाए तो 56 करोड़ रुपया आज की तारीख में सनी देओल के लिए रीपे करना इज नॉट अ बिग थिंग। इनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी है। लोग क्यों भूल जाते हैं कि इनके पिता धर्मेंद्र 1960 से ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आज भी एट द एज ऑफ 87 ही इज़ स्टिल वर्किंग इन द फिल्म्स एंड हिज नेट वर्थ इज़ 450 करोड़।